फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं कि आप अगले एक घंटे के लिए इन दोनों में से कोई एक टास्क करो, पढ़ाई करना या यूट्यूब पे टाइम पास करना, तो आप क्या करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस देखना। ये जानते हुए भी कि पढ़ने से या कुछ प्रोडक्टिव काम करने से आपका ही फायदा होगा, आप फिर भी यूट्यूब यूज करना प्रेफर करोगे। ऐसा क्यों? अब आपका जवाब होगा कि यूट्यूब पे वीडियोस देखना एफर्टलेस है और इसे करने में कोई मेहनत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी इसकी वजह से आपका एक घंटा तो वेस्ट होगा ना। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि इस काम और आराम की रेस में जीत हमेशा आराम की क्यों होती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले इसे समझना होगा, डोपामाइन, कि कैसे डोपामाइन हमारे माइंड को और हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। डोपामाइन असल में एक प्लेजर मॉलिक्यूल है और ये हमारे माइंड में डिजायर क्रिएट करने का काम करता है। यानी कि आप जो भी काम किसी रिजल्ट के लिए करते हो, वो आप डोपामाइन के वजह से ही करते हो। फिर चाहे किसी लड़की का फोन नंबर हो, या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हो, या किसी गेम के टफ लेवल्स को क्लियर करना हो, ये सब आप डोपामाइन के वजह से ही कर पाते हो। अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। ये एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर किया था, जिसमें उनके ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। एक कंट्रोलर की मदद से साइंटिस्ट उन चूहों के ब्रेन में रिलीज होने वाले डोपामाइन को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब चूहों के ब्रेन में डोपामाइन बढ़ा दिया जाता था, तो वो बिना कुछ खाए पिए, बिना रेस्ट किए, सिर्फ अपने केज को खोलने की कोशिश करते रहते। और वहीं जब उन पर डोपामाइन का रिलीज बिल्कुल बंद कर दिया जाता, तो वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते, ना खाना, ना पीना और ना ही मेटिंग। इस दौरान वो किसी भी काम में 1% भी एफर्ट नहीं लगाते थे। इंसानों के ब्रेन को भी डोपामाइन कुछ इसी तरह से अफेक्ट करता है। हम अपने दिमाग में डोपामाइन की वजह से ही अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं। यानी हम वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसे करते वक्त डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है। वो काम जिसे करने पर हमें ज्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, वो हमें ज्यादा मोटिवेट करते हैं और उसे हम पहले करते हैं। अगर ये रिवॉर्ड्स हमें तुरंत नहीं मिलते, तो फिर हमें उस काम को करने का मन भी नहीं करता, जैसे पढ़ाई या ऑफिस के काम। बट वहीं अगर आप कोई वीडियो गेम खेले, तो उसके हर लेवल को क्रॉस करने पर आपके ब्रेन में हाई डोपामाइन रिलीज होता है। ये हाई डोपामाइन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामाइन वाली चीजें बोरिंग लगने लगती है, जैसे स्टडीज एंड वर्कआउट, क्योंकि ये काम हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देते। इसलिए ये हमारी माइंड में काफी कम डोपामाइन रिलीज करते हैं और हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में भी सबसे नीचे आते हैं। डोपामाइन हमारी लाइफ में बहुत असर डालता है। जैसे अगर एक ड्रग एडिक्ट की बात करें, तो जब तक वो ड्रग्स लेता रहता है, तब तक उसे काफी डोपामाइन मिलता है। ड्रग्स उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी वो चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल कामों में इतना डोपामाइन नहीं मिलता। सिमिलरली लोग जंक फूड खाना ज्यादा एंजॉय करते हैं। उन्हें पता है कि वो हेल्दी नहीं है, बट क्योंकि उससे हाई डोपामाइन रिलीज होता है, इसलिए वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। इसी तरह बार बार फोन चेक करना या सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशंस चेक करना हमें इंस्टेंट रैंडम रिवॉर्ड अश्योर करते हैं, जिसकी वजह से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें किस हद तक अफेक्ट कर रहा है, ये अब आप समझ गए होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डोपामाइन डिटॉक्स, यानी हाई डोपामाइन वाली चीजों से छुटकारा। आइए समझते हैं कैसे। इसकी शुरुआत धीरे धीरे करो। हफ्ते में एक दिन बनाओ जिसमें आप एक भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको इंस्टेंट प्लेजर मिले या हाई डोपामाइन रिलीज हो, जैसे जंक फूड खाना, फोन चेक करना, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, मूवीज, टीवी सीरीज एक्सेट्रा। अब आपको उस दिन करने हैं लो डोपामाइन वाले काम, जैसे कोई स्किल सीखना, पढ़ाई करना, वर्कआउट, हेल्दी फूड खाना, वो काम जिन्हें करने में आपको जोर आता है। ये सब काम आपको इनिशियली जरूर बोरिंग लगेंगे और आपका पूरा दिन भी बोरिंग ही जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि ये तरीका एक्चुअली काम कर रहा है। शुरुआत में आपको इसे हफ्ते में एक दिन रखना है, उसके बाद हफ्ते में दो दिन करना है, और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है।
इस डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान आप अपने लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप दिन भर तो काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता ही है। सो लेट्स से एक घंटे काम करने के बाद आप खुद को 10-15 मिनट्स का एंटरटेनमेंट ब्रेक देते हो, यानी हाई डोपामाइन वाली चीजें करते हो। सो अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो तो आप 2 घंटे के लिए हाई डोपामाइन वाली चीजें कर सकते हो, जैसे यूट्यूब या वीडियो गेम्स एसेट्रा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। बट रिमेम्बर, ये रिवॉर्ड सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आप डोपामाइन का रिवॉर्ड काम पूरा हो जाने के बाद लेंगे। इमेजिन अगर आप सुबह सुबह उठकर यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे तो उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने दिन के शुरुआत में ही हाई डोपामाइन ले लिया, तो उसके बाद आपको बाकी काम बोरिंग ही लगेंगे। इसलिए पहले काम फिर रिवॉर्ड। तो दोस्तों, ये था डोपामाइन डिटॉक्स का पूरा प्रोसेस। ये स्टार्टिंग में आपके लिए मुश्किल होगा और आप शायद बोर्ड भी फील करो, लेकिन जब आप इसे पूरे सीरियसनेस के साथ फॉलो करोगे देन धीरे धीरे आगे बढ़ने पर चीजें आसान होती जाएंगी और एक के बाद एक आप अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। कमेंट करके बताएं आपको किस काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है।